फ्रेंड्स, सपनों की दुनिया बेहद अजीब। ऐसा लगता है कि हम किसी अलग से दुनिया में पहुंच गए हो। कभी हमें सपने आते हैं बहुत अच्छे, बहुत सुंदर सपने देखते हैं हम, जैसे हम खुश हो रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमें बेहद डरावने और ख़तरनाक सपने भी आते हैं। हम इसे लगभग सभी ने एक डरावना सपना ज़रूर देखा होगा, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। याद कीजिए, कभी ना कभी आपने भी ऐसा सपना देखा होगा कि रात में गहरी नींद में आपको इस तरह का सपना आता है, एक डरावना सपना, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको दबा दिया हो, कोई आपके ऊपर बैठा हो और आप अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे। आपको डर लगने लगता है और आप चीखना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, हिलना डुलना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाते। एकदम से आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको जकड़ लिया हो। जी हाँ, हम आज इस वीडियो में इस डरावने सपने का राज खोलेंगे, जिसे साइंस में हम कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। चलिए जानते हैं क्या है स्लीप पैरालिसिस और इसका कारण क्या है, क्या है इसका एक्चुअल रीज़न। फ्रेंड्स, वैसे तो स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करना एक रेयर इवेंट है। हम लोग कभी कभार इस तरह के एक डरावने सपने देखते हैं, लेकिन कुछ लोग अक्सर इस तरह के सपने देखते हैं और उन्हें काफ़ी परेशानी होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई साया है, भूत प्रेत है, जिसने उन्हें रात में इस तरह से जकड़ लिया हो या वो उनके ऊपर बैठा हो और वो उठ नहीं पा रहे हों। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस डरावने सपने के पीछे का साइंटिफिक रीज़न, एंड डेफिनेटली आप भी इस राज को जानकर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है स्लीप पैरालिसिस का एक्चुअल साइंटिफिक रीज़न। जब हम रात में सोते हैं तो हम एक रात में कई तरह की स्लीप स्टेजेस से गुज़रते हैं और ये एक साइकिल फॉर्म में एक के बाद एक इस तरह से आती हैं। तो हम स्लीप स्टेजेस को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन REM स्लीप एंड REM स्लीप। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट्स से 110 मिनट्स का होता है और इस दौरान इस तरह से पांच स्लीप स्टेजेस एक के बाद एक आती हैं। सो 1, 2, 3, 4 नॉन REM स्लीप को हम फोर स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज है लाइट स्लीप स्टेज एंड थर्ड एंड फोर्थ है डीप स्लीप स्टेज। इसके बाद में आती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। मैक्सिमम सपने हमें इस REM स्टेज स्लीप में आते हैं। ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ स्लीप स्टेज होती है। जब भी हम REM स्टेज से गुजरते हैं तो हमें सपने आते हैं और उस दौरान हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ शो होती हैं। अगर हम EEG पैटर्न्स को देखें तो एकदम जगे हुए व्यक्ति जैसा उसका EEG पैटर्न्स दिखाई देता है। इसके साथ ही हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी की मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देता है, इतना रिलैक्स कि एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि पैरालिसिस हो गया। और उसके साथ ही हमारी हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाती है और इस स्टेज में हमारी जो आई बॉल्स होती हैं वो पलकों के नीचे बहुत तेज़ घूमने लगती हैं इधर से उधर। इसीलिए इस स्टेज को कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी कि शॉर्ट में REM स्लीप। एंड इस रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज में हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की सारी मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देता है, एक जैसे कह सकते हैं कि एक इनएक्टिव स्टेज, बिल्कुल जैसे हम मान सकते हैं कि पैरालिसिस की तरह। और आपको पता है ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ड्रीमिंग स्टेज है। अगर हमारी बॉडी की मसल्स इनएक्टिव ना हो और पैरालाइज नहीं हो तो व्यक्ति ड्रीमिंग स्टेज में कुछ भी एक्टिविटी करने लग जाएगा और हो सकता है कि वो खुद को हार्म प्रोड्यूस कर दे या साथ में सोए व्यक्ति के साथ में कुछ हार्म नहीं प्रोड्यूस कर दे। इसलिए हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देता है, ए काइंड ऑफ पैरालिसिस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम एयरप्लेन में बैठते हैं और हम को टेक ऑफ के टाइम पे या लैंडिंग के टाइम पे कहा जाता है कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें। जैसे गाड़ी चलाते वक्त भी हम सीट बेल्ट बांधते हैं ना,
तो ये वो प्रिकॉशनरी मेजर है कि आप जब सपने देख रहे हो तो सपनों में की दुनिया में जैसा आप इनएक्ट करने लग जाएं या कोई एक्टिविटी ना करने लग जाएं या उठ के कुछ ना कुछ नहीं करने लग जाएं, इसलिए आपकी बॉडी की मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर दिया जाता है। अब हम सपने देखते हैं, तरह तरह के सपने देखते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ डरावने होते हैं। तो अगर पर्सन इस REM स्टेज के टाइम पे, जो कि एक डीप स्लीप स्टेज से भी एक गहरी नींद की अवस्था मानी जा सकती है, जिसमें हम बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, हम उठ के कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो अगर इस दौरान कोई व्यक्ति बेहद डरावना सपना देखता है तो वो डर से नींद खुल सकती है उसकी, वो उठ सकता है। अब वो उठा भी नहीं है लेकिन उठने की कोशिश करे तो एक ट्रांजिटरी लाइट स्लीप स्टेज में आ चुका है, वो डीप स्लीप से लाइट स्लीप स्टेज में आ गए, तो वो कोशिश कर रहा है डर के मारे उठने की या हाथ पैर हिलाने की या कुछ चीखने की या बोलने की, लेकिन क्योंकि मसल्स बिल्कुल इनएक्टिव हैं, बिल्कुल पैरालाइज्ड हैं, इसलिए पर्सन ना तो हाथ हिला पाता है, ना कुछ बोल पाता है, ना हिलडुल पाता है। और ये वो एक्सपीरियंस है जब हमको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई बैठा है या किसी ने हमें जकड़ रखा है और हम बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहे, और इस वजह से पर्सन को और ज़्यादा घबराहट होती है, और ज़्यादा डर लगता है और वो एकदम से उठ जाता है। और उठने के बाद में जब उसकी थोड़ी नींद और खुलती है, थोड़ा और ज़्यादा वो कॉशियस होता है, तब वो रिलैक्स होता है कि ओ थैंक गॉड मैं अपने बेड पे हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है और मेरे रूम में भी कोई साया वाया भूत प्रेत नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से हूँ और ये कोई डरावना सपना था। और इस सपने का एहसास उसे होता है और वो इस सपने को सुबह तक याद भी रखता है और अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ भी शेयर भी करता है उसे, इसको इस सपने को वो कई दिनों तक या सालों तक भी याद रख सकता है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये है उस डरावने सपने का साइंटिफिक रीज़न कि हम जब स्लीप स्टेज में होते हैं और ड्रीमिंग स्टेट में जब हम सपने देख रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन खुद इस तरह से हमारी मसल्स को पैरालाइज कर देता है कि हम उठ चल फिर नहीं पाते, और जैसे हमें नींद में ऐसा लगता है कि जैसे जब हम उठ चल नहीं फिर नहीं पा रहे या बोल नहीं पा रहे तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमें जकड़ लिया हो, जिसे हम साइंस में बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। आई होप आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि ड्रीमिंग स्टेज में हमारी मसल्स को पैरालाइज करना या इनएक्टिव या रिलैक्स स्टेज में रखना क्यों ज़रूरी है। हालांकि ऐसे डरावने सपने जिसमें पर्सन स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करता है, ये एक बहुत रेयर इवेंट होता है। आमतौर पे एक साधारण व्यक्ति को इस तरह की सपने रोज़ नहीं आते हैं, उसकी लाइफ में कभी कभी इस तरह के कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस तरह के सपने अक्सर आते हैं, या यूं कहें कि लगभग रोज़ ही या एक हफ्ते में 3 या 4 बार, और उन लोगों को लगता है कि कोई भूत प्रेत उनके पीछे पड़ गया है या उनका भूत प्रेत का साया है जो उनको रोज़ परेशान करता है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको इस तरह के सपने आते हैं या जो लोग इस तरह से परेशान होते हैं रात में, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को उन लोगों के साथ में शेयर करिए, और नेक्स्ट टाइम जब आपको इस तरह का डरावना सपना आए तो आप बिल्कुल भी डरें नहीं, घबराएं नहीं। ये हमारी सेफ्टी के लिए ब्रेन के थ्रू किया हुआ एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है। पर एक बड़ा सवाल कि अगर ब्रेन ऐसा करना भूल जाए तो, अगर कभी ऐसा हो कि किसी पर्सन को सपने आए और वो सपनों में भी वो सब करने लगे जो वो सिर्फ देख रहा है, तो आप समझिए कि क्या होगा, बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों में किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी अबनॉर्मलिटी की वजह से ऐसा होता है कि उनकी ड्रीमिंग स्टेट में उनकी मसल्स रिलैक्स नहीं होती हैं और वो अपने आप को और अपने साथ सोए लोगों को बेहद चोट पहुंचा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसलिए मसल्स का रिलैक्स होना ड्रीमिंग स्टेज में हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और स्लीप पैरालिसिस का भी यही रीज़न है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।